गोरखपुर के एक बड़े अस्पताल में उस महिला ने उस सांप को जन्म दे दिया है। यही वह उस महिला का घर है और दरवाजा देख सकते हैं, महिला अंदर बैठी हुई है और हम सभी का इंतजार कर रही है, और वह भी लोगों को बताना चाहती है कि सच में हमारे पेट में एक सांप था। और नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक एक्सरे वाला फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि महिला के पेट में एक सांप है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि उस महिला ने उस सांप को जन्म दे दिया है, और अब आप लोग इस बात को सुन के चौंकिएगा मत, क्योंकि हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि उस महिला का घर कहाँ पर है और वह कौन से शहर के हॉस्पिटल में सांप को जन्म दिया है। तो हम आपको बता दें कि उस महिला का घर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ेगा, और वह गोरखपुर के एक बहुत ही बड़े अस्पताल में उस महिला ने उस सांप को जन्म दिया है। और हम आपको बता दें कि जब उस महिला के पेट में दर्द शुरू हुआ तो उसके घर के जो लोग थे वह अस्पताल में लेकर के गए और उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया, और जब डॉक्टर की देखरेख में उस महिला ने उस सांप को जन्म दिया तो जो भी डॉक्टर थे वह उस सांप को देख करके वहीं पर बेहोश हो गए। फिर उसके बाद से पूरे अस्पताल में एक हंगामे से मच गया, जो भी लोग सुने वह दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ पर गए। लेकिन सबसे पहले वहाँ पर जो एक नर्स थी जो गेट पर इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, वह दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है, वह भी देखती है, वह भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन बाद में सुनने को यह मिलता है कि जिसके पेट में वह सांप था वह महिला उड़ती है और उस सांप को दूध लगती है पिलाने। अब आप फिर भी चौंकिएगा मत, क्योंकि उसका बच्चा है और बच्चा कितना भी खराब हो, माँ माँ होती है साहब, अपना बच्चा कैसा भी हो माँ को हीरा मोती ही दिखता है। और इसी तरह से वह माँ अपने बच्चे को दूध लगती है पिलाने, और लोग जब आते हैं बाहर से देखते हैं तो वह देख करके चौंक जाते हैं। हम आपको बता दें कि अभी हम उस महिला के घर पर आ चुके हैं, देख सकते हैं यही वह उस महिला का घर है और दरवाज़ा देख सकते हैं, महिला अंदर बैठी हुई है और हम सभी का इंतजार कर रही है, और वह भी लोगों को बताना चाहती है कि सच में हमारे पेट में एक सांप था और उसी का एक्सरे वायरल हो रहा था। तो अब आप लोग काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे कि उस महिला का घर कहाँ है, लेकिन हम उससे पहले बता दें कि हमको कैसे जानकारी हुई, हमारे गांव का एक लड़का है और उसके नानी के भतीजे के लड़के के बेटी के वहाँ यह खबर मिला है, और वहीं पर हम ढूंढते ढूंढते हमारी जो टीम थी गरीब रिपोर्टर की जो टीम थी वह 10 से 15 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि यह घटना कहाँ का है, और सब लोगों ने मिलजुल करके रिसर्च किया, और उसके बाद से ढूंढते 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 10 से 15 दिनों के बाद फाइनली उसका एड्रेस मिल गया। आप लोगों को क्या लग रहा है, खबर सही है? हम चूतियाँ हैं तो क्या आप लोग भी चूतियाँ हैं? आप लोग चूतियाँ नहीं, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, इस तरह की जो भी खबरें आती हैं उसको सबसे पहले आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद से किसी को शेयर करना चाहिए। लेकिन ऐसे में तो आप लोगों के पास इस तरह की खबरें आती हैं, फटाक दे व्हाट्सएप में 5 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं और 5 लोगों को शेयर कर देते हैं, और यही वजह है कि यह अफवाह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं है, आप सभी के पास इस तरह की कोई भी खबर आए तो उसका सबसे पहले खंडन कीजिए, आपके पास अगर आता है तो उसको वहीं पर डिलीट कर दीजिए, वहीं पर स्टॉप कर दीजिए, आगे किसी को मत भेजिए, क्योंकि यह एक अफवाह है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले चोटी काटने वाला, किडनी निकालने वाला, बच्चों को चोरी करने वाला, इस तरह की तमाम खबरें वायरल होते हुए देखा होगा, और आप सभी लोगों ने विश्वास भी किया, और उस वक्त काफ़ी इस तरह का जो माहौल था गर्म हो चुका था, जो भी लोग थे वह दहशत में आ चुके थे, डर के मारे कोई बच्चा सरे में अपना खेत देखने तक नहीं जाता था, पढ़ने तक बच्चे नहीं जाते थे, और इसका असर लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। लेकिन हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की खबर आप लोगों के पास अगर आती है तो आप लोग बिल्कुल भी कहीं भी शेयर ना करें, नहीं तो इससे समाज पर असर पड़ता है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। और दोस्तों हम लोग इस खबर को काफ़ी दिनों से पता लगा रहे थे, लेकिन जब भी हम लोग किसी से पूछते थे तो उनका एक ही शब्द होता था कि हमारे चाची के मौसी के लड़की के नौनद के वहाँ इस तरह का खबर है, और वहाँ पर हम लोग जाने का प्रयास करते थे, लेकिन वहाँ पर कोई खबर इस तरह का नहीं सुनने को मिलता था। वहाँ के भी जो लोग थे वो अब ये भी यही कहते थे कि हमारे दीदी के, बुआ के, नानी के, मौसी के घर इस तरह खबर हुआ है, इसी तरह से सुनने को मिलता था। कुछ लोगों का कहना था कि बिहार का खबर है, कुछ लोगों का कहना था कि कुशीनगर का खबर है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुशीनगर के एक बड़े अस्पताल में उस महिला ने सांप को जन्म दे दिया है, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि गोरखपुर का यह खबर है, संत कबीर नगर का खबर है, कुछ लोगों का यह भी कहना था कि गोरखपुर के एक बड़े अस्पताल में उस महिला ने उस सांप को जन्म दे दिया है। लेकिन यह बिल्कुल अफवाह है, इसके चक्कर में आप लोग ना पड़े, और इस तरह का पोस्ट कोई भी अगर आप लोगों के पास आता है तो उसको शेयर भी ना करें, यही हमारी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है। बाकी यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये फालतू के बकवास में बिल्कुल भी मत पड़ेगा भैया। फिर मिल जाइए अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।